हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये इंस्ट्रूमेंट आपने कभी देखा है? नहीं देखा है ना? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपकी गाड़ी या हमारी गाड़ी, हम सभी की गाड़ियों में जो इग्निशन सिस्टम होता है, जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, यानी जब हम गाड़ी उसमें लगाते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिससे एयर और ऑयल का जो मिक्सचर होता है पेट्रोल का, वो बर्न होता है, उसमें कंबस्शन होता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो इग्निशन सिस्टम होता है वो इसी एपरेटस के ऊपर बेस्ड है। ये है रूमकॉफ एपरेटस, इसको 1851 में डेनियल हेनरिक रूमकॉफ ने, जो जर्मन एपरेटस मेकर थे, उन्होंने इसको बनाया था। इन्वेंट और किसी ने किया था, लेकिन बनाया था। इसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, तो इससे करंट स्टेप अप हो जाता है। हम इसमें गाड़ियों में 12 वोल्ट की बैटरी से करंट देते हैं, हम यहाँ पे 8 वोल्ट का करंट यहाँ पे इस पे दे रहे हैं, और इसमें से जो प्रोड्यूस होगा वो 20,000 वोल्ट या 25,000 वोल्ट का स्पार्क इससे प्रोड्यूस होगी, जो कि कंबस्टन कर देगी गाड़ियों के इंजन में। तो देखते हैं कैसे काम करता है ये। इसमें इसके दो टर्मिनल है या स्पार्क प्रोड्यूस हो गए, यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन किया, अब देखिए ये इंजन में क्या, आपके पहले से है।